तस्वीर जो तुम देख रहे हो फतेहगढ़ साहिब दिया ने। फतेहगढ़ साहिब के दसया जाता है कि अज एक गुरु घर गोलियां चलिया ने। गोलियां चलने के दसया जाता है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। माफ करना अमलोह के गुरु घर दस्वीर दसिया जा रही हैं। अमलोह के गुरु घर के अंदर दसया जाता है कि एक भोग समागम से। इस भोग समागम के दो व्यापारी हिस्सा लैन आए सन, जिन्होंने उसके ही पार्टनर के वलों गोलियां मार के कतल करने की कोशिश की गई है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूजा जो व्यक्ति है फिलहाल उसकी जख्मी हालत के उसको हस्पताल दाखिल करवाया गया। ये मौके दी तस्वीर तुम साझिया कर रहे हैं। तस्वीर वेख सकते हो तुम अमलोह दी तस्वीर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इस वे दर्दनाक तस्वीर बयान कर रही ने किस तरीके का वारदात को अंजाम दिता गया। गुरु घर किसी के भोग समागम के शामिल होने आए दो कह सकते हो कि बिजनेसमैन गोलियां दे मार के कतल करने की कोशिश की गई है। एक बिजनेसमैन की मौके पर मौत हुई है, एक व्यापारी मौके पर मारिया गया। आपस के तीनों ही पार्टनर दसे जा रहे हैं, जिन्हें दो दे गोलियां लगिया ने ते तीसरा व्यक्ति गोलियां चलाने वाला। ये तिने आपस एको फर्म के पार्टनर सन ते गोलियां चलन के कारण फिलहाल एक व्यक्ति की मौके पर ही मारे जाने की जो खबर है निकल के सामने आ रही है। अमलोह तो सब तो वड्डी खबर कही जा सकती है, असीं जो तुहाडे नाल इस वेले साझी कर रहे हैं। फिलहाल दस दिए कि अमलोह दे विच जो गोलियां चलन का मामला सामने आया, इस बारे अपडेट जो मिली है उसके मुताबिक दसया जाता है कि फतेहगढ़ साहब की तहसील अमलोह के पिंड सलाना दुल्ला विखे फरनेंस मालकों के उत्ते इन्हें फायरिंग की गई है। इस फायरिंग दे विच एक फरनेंस मालक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूजे साथी की हालत नाजुक दसी जा रही है। वारदात को अंजाम इन दोवों के पार्टनर है जो कि व्यक्ति वालों दिता गया। फिलहाल दसया जाता है कि उस व्यक्ति ने गोलियां चलाने बाद मौके पर ही आत्म समर्पण कर दिता है। जानकारी मिली है कि सलाना विखे भोग समागम चल रहा है, इस दौरान दसया जाता है कि फरनेंस मालक करनैल सिंह ते करतार सिंह इस भोग समागम च हिस्सा लैन आए। किसी इसे समय दसया जाता है कि जदों फरनेंस मालक भोग समागम च हिस्सा लैके बाहर आ रहे सन तो इस दौरान गुरु घर के अंदर ही उन्होंने ही पार्टनर है कुलदीप सिंह भी भोग से पहुँच गया। उसने गुरु घर के अंदर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, गोलियां चलानिया शुरू कर दी गई, अन्नेवाह की गई। फायरिंग के फिलहाल करनैल सिंह ते करतार सिंह दोवां दे गोलियां वजियां, जिस दे बाद दस्या जांदा है कि दोवां चों एक दी मौत हो गई है। इस तो बाद ये भी जानकारी मिली है कि गुरु घर के हदूद दे विच ही खड़िया ते हुई जो फायरिंग की गई है लाइसेंसी पिस्तौल दे नाल करनैल सिंह ते करतार सिंह ते हमला किया गया ते करनैल सिंह मौके ते उसकी मौत हो गई है, जबकि करतार सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसनों पहला खन्ना के एक हस्पताल दाखिल करवाया गया जिसका उत्थे इलाज किया जा रहा है। फिलहाल दसया जा रहा है कि पिंड रामगढ़ के वसनीक करनैल सिंह ते करतार सिंह अते कुलदीप सिंह सांझे तौर पर एक फरनेंस इकाई इन्होंने लगाई सी। कुछ समय बाद कारोबार झगड़ा होया, करनैल सिंह ते करतार सिंह ने कुलदीप सिंह की साझेदारी कर दी। इस दौरान कुलदीप सिंह पिंड छड्ड के खन्ना रहन लगा। हुण करनैल ते करतार इकट्ठे होकर फरनेंस कंपनी चला रहे सन, इसे दुश्मनी के कारण फिलहाल दसया जाए कि कुलदीप सिंह ने भोग के दौरान वारदात को अंजाम दे दिता है। फिलहाल दसया जा रहा है कि गोली चलाने तो बाद मुलजम कुलदीप सिंह मौके पर ही खड़ा रहा, उसने खुद लोगों को पुलिस बुलाने लिए आख्या ते फिर खुद ही पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दिता है। इन्होंने उसने घटना तो बाद कहा कि इन्होंने मैंने बर्बाद किया तो मैं अपनी बर्बादी का बदला लिया। पर आखिर एक कहोजा बदला, गुरु घर के अंदर अन्नेवाह फायरिंग कर दी गई। गुरु घर के अंदर उस समय फायरिंग की गई जो गुरु घर के अंदर दसा कि एक भोग समागम चल रहा है, इस समागम हिस्सा लेना दो व्यक्तियों से फायरिंग की गई उन्होंने ही पार्टनर के वालों, जिस एक व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल ये बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर इस वे जो अमलोह इलाके तो सामने आ रही थोड़ी स्क्रीन से अभी साझिया कर रहे हैं। ये उ गुरु घर है जिथे फायरिंग हुई दसी जा रही है। फायरिंग के व्यक्ति एक मारा गया, दूजा जख्मी है जिसनों हस्पताल दाखिल करवाया गया। फिलहाल इस मामले से असीं मौके पर मौजूद लोगों के नाल गलबात की है। उन्होंने गलबात करन दे दौरान दस्सिया कि किवें रूह कंबाऊ वारदात को अंजाम दे के उक्त व्यक्ति ने पुलिस दे अगे सरेंडर कर दिता। इन्हां दे पिछों गोलियां मारियां ने, जिहड़ा दूजा मुंडा सी उहदे वी मारियां, बैक तों ही मारियां ने इन्हां दे। उह मगर खड़ा सी, उहने मगरों आ के मारियां ने दोहां दे। इन्हां दे सिर च मारियां, उहदे बाकी दो लगियां ने। कारण की सीगा, रंजे सी कोई इन्हां दी? नहीं जी, पता नहीं, पुरानी है, पहलां हुंदा सी। मतलब इह ना फैक्ट्री लुट च पार्टनर दी लुट के खा गया फैक्ट्री, पहले ये कटता फिर इन पैसे दे के। इन हो गए जी 20 साल निकले इन फैक्ट्री चो। इहदी खन्ने आ जी, पिंड सब को बेच बट खा गया। की नाम की सीगा बंदे? कुलदीप सिंह। ओ करनैल सिंह जी। किहड़ा पटना है जी? ओ करतार सिंह जी। ओ करतार सिंह किहड़ा पिंड है जी? गोविंदगढ़ तों ने, GS मॉर्गेज है ओ है जी अपनी। इन्हां दे पिछों गोलियां मारियां ने, जिहड़ा दूजा मुंडा सी उहदे वी मारियां, बैक तों ही मारियां ने इन्हां दे। उह मगर खड़ा सी, उहने मगरों आ के मारियां ने दोहां दे। इन्हां दे सिर च मारियां, उहदे बाकी दो लगियां ने।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੰਜਿਤ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲੁੱਟ ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੱਢਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਖੰਨੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕੋਈ ਵੇਚ ਵੱਟ ਖਾ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਮੋਰਗਿੰਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਗਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੱਕੀ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੰਜਿਤ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲੁੱਟ ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੱਢਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਖੰਨੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕੋਈ ਵੇਚ ਵੱਟ ਖਾ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਮੋਰਗਿੰਜ ਹੈ ਉਹ